दिल्ली के स्कूलों को बॉम्ब से उड़ाने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की ईमेल आईडी पर धमकी भरा ईमेल आया है। स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फिर से पुलिस ने जांच की तो यहां हॉक्स कॉल निकली। ये धमकी भरा मेल 2 मई को सुबह 10 बजे किया गया है। ये मेल सिराज नाम की आईडी से किया गया है, जिसमें लिखा है कि नांगलोई रेलवे स्टेशन के पास स्कूल में बम फटेगा। मेल के फौरन बाद पुलिस हरकत में आई है और स्कूल को चेक कराया गया है। जांच में कुछ नहीं पाया, मेल को फर्जी करार दिया गया है। दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूलों में बम होने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी में कहा गया है कि हम लोगों को इमारतों में दफन कर देंगे। वहीं इस धमकी को जिस ईमेल के जरिए भेजा गया है उसका सर्वर विदेश में मौजूद होने की जानकारी सामने आई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस हेडक्वार्टर में बम की धमकी का ईमेल को भेजने वाले का पता लग गया है। वो इमैच्योर चाइल्ड है, जैसे अधिनियम के तहत उसकी पहचान का शेयर नहीं किया जा सकता। मेल शरारत के तौर पर भेजा गया है। काउंसलिंग के बाद किशोर को उसके माता पिता को सौंप दिया गया है। इसके पहले 1 मई को दिल्ली एनसीआर के लगभग 100 स्कूलों को ईमेल से धमकी मिली, जिसमें उनके कैंपस में बम होने की चेतावनी दी गई थी। अलर्ट के बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। शुरुआती जांच में पता चल गया था कि दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी वाले ऐसे ही ईमेल मिले हैं, लेकिन ये सभी ईमेल फर्जी निकले हैं। उपराज्यपाल ने पेरेंट्स से गुजारिश भी की है कि वो घबराएं नहीं और सहयोग करें। उन्होंने ये भी कहा, मैं पेरेंट्स से अनुरोध करता हूं कि वे घबराएं नहीं और स्कूलों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन का सहयोग करें। उपद्रवियों और दोषियों को बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। फिलहाल जिन स्कूलों को धमकी भरे मेल आए हैं उनके बाहर दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है और सिक्योरिटी पूरी तरह से दिल्ली के स्कूलों के बाहर टाइट है। तो फिलहाल के लिए बड़ा अपडेट था। इस केस में और भी अपडेट्स हम आपको लगातार देंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एबीपी लाइव, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।